हेलो गाइस, होप यू आर डूइंग वेल। एंड आज सुबह उठने के बाद एक्सरसाइज फुल टू फुल कम से कम 1 से 1.5 घंटा किया आज, और फ्रेशली नहाने के बाद अब रेडी होकर फिर जो मीटिंग शेड्यूल था वो मीटिंग डन हो चुका है। ज़बरदस्त रहा वेबिनार, जैसे कि निकलना है अभी। कल जो प्लान कैंसिल हुआ था आज उसे सक्सेसफुल करना है, तो आज 20 किलोमीटर दूर लगभग जाना है, और जाने के बाद वहाँ पे फिर मीटिंग करके फिर वापस आना है। अभी कितना टाइमिंग हो रहा है, अभी टाइमिंग 12 बज चुका है, और 12 बजने के बाद अभी खाना वाना तो कुछ नहीं खाया है, अभी बन रहा है। खाने के बाद यहाँ से निकलेंगे अपन वही डायरेक्ट सीधा, और देखते हैं वहाँ की जर्नी में क्या होने वाला है, लेकिन जो भी है मज़ा आएगा। बन गया खाना? बन गया दे। गर्म पानी किए किस लिए? नहाने के लिए, वही बोले कि धार देना, धार दिए तो जानते। एक काम कीजिए ना, पूरा एकदम सेट करा दीजिए ना, हो गया, बुला कर ही सेट करा दीजिए मिस्त्री से, सबसे बढ़िया रहेगा। तेरा सुबह अभी हुआ है? हाँ, रुपया नहीं लगेगा। तेरा सुबह अभी हुआ है, इसका सुबह अभी हुआ है, इसका सुबह अभी हुआ है। कितना बज रहा है? 12 बजे उठा है ये। 12 बजे? हाँ, कितना बजे उठा है? इतना लेट कैसे सो जाता है यार तू? खाना अब हो चुका है, अब एक कुछ चीज़ें पैक कर लेता हूँ ताकि रास्ते में काम आए, जैसे कि ये हो गया पावर बैंक, फ़ोन चार्ज उतना है नहीं मेरा, और ये सारी चीज़ें, पावर बैंक, ये हो गया कनेक्टर, और ये एयरफोन, ये सारी चीज़ें बैग में रख लेता हूँ मैं। बैग कहाँ है मेरा? बैग कहाँ है? बैग कहाँ है आंटी? बैग ढूंढ रहा हूँ। ये वायर निकला हुआ है, ये कौन वायर? ये वाला, वो उसमें लाइन है। बैग में देख रहा हूँ क्या क्या है, और सामान रखना है ना, ये रास्ते में काम आएगा। 20 किलोमीटर कौन सा 200 किलोमीटर है, फिर भी कुछ भी हो सकता है। कहाँ गया, बोरा मिल गया, सारी चीजें पैक, थोड़ी देर में। अच्छा, चाबी मिला, दूसरा चाबी है फिर, तो कैसे चालू होगा फिर बाइक? चाबी कहाँ पे फेंके थे रात में? वो कहाँ है दूसरा चाबी रे? रात में बाइक में ही अभी छोड़ दिया था, और बाइक से चाबी कोई निकाल कर बालकनी में डायरेक्ट फेंका, बालकनी में तो चाबी मिल नहीं रहा है, अब पता नहीं चालू कैसे होगा। चाबी तो ढूंढा बहुत लेकिन मिला नहीं, चाबी मिला नहीं, कहाँ टाउन ले चले वहाँ। चाबी सेकंड चाबी है ना, दूसरा चाबी, एक चाबी और फिर बनवा लीजिएगा। ये हो गया, अब जूता पहनता हूँ मैं। ऑल अबाउट टू सेट नाउ, अब निकल चुके हैं अपने मंजिल पे जाने के लिए। क्या घर में आ रहे हैं? क्या है चाबी गाड़ी का? मिल गया, अभी उनको नहीं देंगे ऐसे चाबी, ये इसको बैग में रख दीजिए ना। उनको कैसे चाबी मिला दी? मुझे क्या पता, उसको छोड़ दीजिए, चाबी फिर रहने दीजिए, जब उनको गाड़ी स्टार्ट हो ही गया तो रख दिए। मिला गाड़ी का चाबी, मिल गया गाड़ी का चाबी, मिला हाँ चाभी। सामने सामने था वो गाड़ी का चाबी, सामने सामने वाली जो रूम में नहीं रहते हैं उन्हीं के पास गाड़ी का चाबी रखा हुआ था, फेंका हुआ था ना चाबी यहाँ पे, तो उन्होंने उठा के रख लिया था सामने वाली में। अब चलते हैं, चलिए आज देखिए ये इसको क्या खाना खाओ, मास्क इसके लिए लगा दिया ताकि धूल ना जाए। आप देख चुके हैं कितने बज रहा है, अभी 1:15 मतलब कि क्या 3 बजे तक आ पाऊंगा अंकल मैं? हाँ नहीं आ पाएंगे? हाँ आ जाएंगे, आ जाऊंगा मैं, आ जाऊंगा।
फाइनली 20 किलोमीटर राइडिंग के बाद मैं पहुंच गया और बहुत ही ज़्यादा मतलब बताऊं तो आँखों में धूल भर गया है, फेस पूरा गंदा हो गया। चश्मा ने बहुत मदद किया, ये चश्मे ने मदद किया पूरा। अब जिनसे मिलने आए थे वो आ रहे हैं थोड़ी देर में, उनसे हम मिलेंगे। उसके बाद पहले इसको साफ कर लेता हूँ, ये बहुत गंदा हो गया होगा। ये है पूरा इलाका, उसके बाद घर जाएंगे और उसके बाद फिर मीटिंग है 3 बजे। अभी 2 भी नहीं बजा, 15 मिनट बाकी है। अभी देखो कैसे पहुंचूंगा मैं, मेरे को समझ नहीं आ रहा। अब जैसे मैनेज करना है। आखिर उनसे मिलने के बाद अब घर के लिए निकलना है। अब यहाँ से सीधा डायरेक्ट घर। मीटिंग तो है जो एक मिस हो गई। लंबा राइडिंग के बाद बहुत मज़ा आया। वैसे क्या चल रहा है, कैरम चल रहा है, दूध पिलाए हैं एक शॉट में, यहाँ से दूध पिलाए हैं। अच्छा, ये नया सदस्य लग रहे हैं ये। कौन? अच्छा, क्यों तो गया तू? तेरा देख के कर नया सदस्य। हाँ, जाने पहचाने लग रहे हैं। क्या लेंगे? माइक्रोवेव। अच्छा, माइक्रोवेव। आप तो वो भी लेने वाले थे ना, डिश वॉशर। हाँ, बर्तन धोने वाला। तो वो तो ले नहीं रही, आप बताएं हमको क्यों? अच्छा, पहले पता नहीं था ना? नहीं पता था। क्या चीज? डिश वॉशर। अगर 45-50 हजार के होगा वो कौन पूछता है, तुरंत ले लेंगे। ये चुटकी में ना उड़ाएंगे ऐसे और क्या। तो फाइनली डे आज का ओवर हुआ और कल मिलते हैं हम। कल के बारे में देखेंगे, कल क्या करते हैं। आज जो था राइडिंग लगभग अच्छा ही रहा, क्योंकि यहाँ से जाने के बाद डायरेक्ट मैं रुका वहीं पे 20 किलोमीटर। बीच में कहीं पे रास्ते में नहीं रुका, क्योंकि मैंने फ़ोन डू नॉट डिस्टर्ब मोड पे लगा दिया था ताकि मुझे कोई डिस्टर्ब ना कर सके। क्योंकि बाइक चलाते समय फ़ोन आता ना यार, तो डिस्टर्ब होता हूँ। और यहाँ बैटरी भी मेरा ख़त्म हो चुका है, टन मतलब यहाँ नोटिफिकेशन आ चुका है बैटरी ख़त्म होने का, क्योंकि सुबह मैं चार्ज करके ले गया था और अभी तक चल रहा है। मीन्स दैट बैटरी बैकअप छक्का से यार। फोन का 5000 mAh है, आज से लगभग 1-1.5 साल पहले लिया था। सोचो अभी का फ़ोन का क्या हाल होगा, है ना। तो राइडिंग था, मज़ा आया। उधर से आने के बाद वहाँ पे मैं मिला जहाँ पे ड्यूटी करते हैं वो, वहाँ से फिर उनको लेने के बाद मैं कहाँ गया, होटल गया। वहाँ पे कुछ कागज़ बनाने थे, कुछ पेपर डॉक्यूमेंटेशन कराना था, तो वो कराने के बाद फिर आखिर में घर आने के बाद रोल खाया। रोल खाने के बाद अभी खाना खाऊंगा, खाना खाने के बाद सोऊंगा। और ज़्यादा तो नींद नहीं, नींद तो कम ही लूँगा, क्योंकि सुबह जल्दी उठकर निकलना है। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना।